नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। 19 मार्च की शाम को बदायूं में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश दहल गया। किस तरीके से साजिद एक घर में एंट्री लेता है और दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही, ये वजह साजिद के साथ ही चली गई, क्योंकि यूपी पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर कर दिया और वो भी इस पूरे घटनाक्रम के 2 से 3 घंटे बाद, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कुछ लोग एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच साजिद ने जिस दूसरे शख्स के साथ इस घर में एंट्री ली थी, जिसका नाम जावेद है, वो फरार था। 24 टीमें उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी, 25,000 का उस पर इनाम घोषित था। बड़ी खबर ये सामने आई है कि उस जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसी बीच जावेद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो लगभग 1 मिनट का है और इस वीडियो में किस तरीके से जावेद कांप रहा है, थर थर कांपते हुए वो माफी मांग रहा है, वो अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, वो कह रहा है कि इस घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ वो ये भी कह रहा है कि वो दिल्ली आ गया था और दिल्ली से फिर बरेली चला गया, क्योंकि उसके पास फोन आया और फोन पर उसे बताया गया कि भीड़ बहुत आक्रामक है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा, मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने पुलिस देखो, एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर, बड़ा भाई था लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना, मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, 12 दिन ले चलो। अरे यार, मुझे भाई पुलिस की आवाज लगवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद। हाँ मोहम्मद जावेद है, आईडी कार्ड चलिए, बताइए चले अपना फोन का पीछे घूम, देखो देखो पीछे घूम, फोन हां सही है, देखा मुझे जे इनकी रुका, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, धूप वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों, उन्ने क्यों करा, मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुक थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये बच्चे मारे, भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं। नहीं मारेंगे ना, तुम मार दो नहीं हम तुझे, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम गाली वाली मत देना, ठीक है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये जो जावेद की गिरफ्तारी हुई है और उसका जो वीडियो सामने आया है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही है। जैसे पहली बात ये हो रही है कि ये है योगी सरकार के बुलडोजर का खौफ, ये है योगी सरकार की एनकाउंटर नीति का खौफ कि अपराधी इस तरीके से सरेंडर कर देते हैं। दूसरी बात ये उठ रही है कि जावेद की गिरफ्तारी से ही अब ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया। क्योंकि देखिए, 3-4 थ्योरीज इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। पहली थ्योरी ये कहती है तंत्र मंत्र का चक्कर था, हालांकि इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कहते हुए नजर आए कि बच्चों को मारने के बाद साजिद वो खून पीता हुआ नजर आया था। फिर से वही बात दोहराऊंगी, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो स्थानीय निवासी हैं वो ये कहते हुए नजर आए। दूसरी इसमें थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कोई पुराना विवाद रहा होगा जिसको परिवार छुपा रहा है। तीसरी इसमें जो थ्योरी निकलकर सामने आई है, जो बहुत सारे न्यूज पोर्टल ने अपनी वेबसाइट्स पर छापी है, वो ये कि हिंदू मुस्लिम एंगल था और लगभग 11 दुकानें बताई जा रही हैं साजिद की और जावेद की उस पूरे एरिया में। नाई के काम पर इन लोगों का कब्जा था, इनके दुकानों में जो टाइल्स लगी हुई थी उस पर हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स थे, कलावा ये दोनों बांधते थे, इस तरीके की ये भी थ्योरी है। अगली थ्योरी ये कहती है कि जो दोनों बच्चे मरे हैं, जिनको मारा गया है, उनकी माँ का प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, इसकी भी पुष्टि हम नहीं करते। सोशल मीडिया पर 4-5 थ्योरीज चल रही हैं, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बड़ी कामयाबी इस वक्त की यही कि जावेद को अरेस्ट कर लिया गया है बरेली के बारादरी इलाके से। अब जावेद का अरेस्ट होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जावेद ही वो कड़ी है जो बताएगा ये सारी चीजें कि आखिर किस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्योंकि जावेद साजिद के साथ घर में एंट्री करने के लिए पहुंचा था और इसी के साथ साजिद ऊपर बच्चे की हत्या को अंजाम दे रहा था और नीचे जावेद बच्चे की दादी से बात कर रहा था। बहरहाल अरेस्टिंग हो गई है,
ये वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें जो स्थानीय लोग हैं उसे गालियां भी दे रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या बड़ा खुलासा होता है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पैसों की जरूरत है, तीन गले चल लिया और पैसे 5,000 रूपए के हमने आईफोन से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे। आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया, मेरे दोनों करे दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर, हमने उन्होंने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़े बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जा देते थे उसे भी मार देता वो। हमने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा, चाकू था इतना बड़ा, नुकेला था चाकू था, बहुत धार सफेद का तो स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद, और उसका क्या नाम जिसने मारा? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? साजिद आया था, जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था? जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया, ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मेरे छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? एक मिनट में सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने, ऐसा कुछ पता है आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी, जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कभी कटिंग वाली कराने? इन्हीं का ज्यादा देखा पाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा,